पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है। लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष शटलर बन गए हैं। अल्मोड़ा के युवा खिलाड़ी के सेमीफाइनल में पहुंचने से गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। लक्ष्य के परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई, कहा कि लक्ष्य सेन इस बार देश को गोल्ड मेडल दिलाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। गोल्ड लाना है ओलंपिक में, इसी की शुभकामनाएं हैं और ये हिस्ट्री क्रिएट कर ही दी है उन्होंने। फर्स्ट इंडियन शटलर हो गए हैं जो ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचा है और वो अभी फाइनल में भी पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका टारगेट ही ओलंपिक का गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड क्वेस्ट के थ्रू ही वो गए हैं, आगे बढ़े हैं और उसी में उनका कंसंट्रेशन भी किया है, पूरा ध्यान उसी में था उनका। और बाकी तो सारे टूर्नामेंट में अच्छे अचीवमेंट्स आई, तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उसके लिए मैं रोज पूजा कर रहा हूँ, एक एक घंटे रोज पूजा कर रहा हूँ। भगवान उनको प्रगति करे उनकी और खूब आगे बढ़े और ओलंपिक का गोल्ड आ जाए। और मैं हमको लोगों को तो पूरी उम्मीद है कि गोल्ड जीतेगा और उसकी लगन मेहनत और लोगों का सहयोग उसे मिलता रहा तो आज उस मुकाम में खड़ा है। हमें बहुत खुशी है, वो अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए और अपने देश के लिए मेडल लेके आएगा, गोल्ड मेडल। ये हमारी शुभकामनाएं।